मैं नीरज निषाद आज एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर TGT एंड PGT पर सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता कि ये चैनल स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बनाया गया है, चाहे वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, UGC नेट या फिर किसी भी वन डे कम्पटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए म्यूजिक टीचर बनने के लिए। इस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है, तो आपका समय ना लेते हुए सबसे पहले हम टॉपिक को अब शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर। आज हम पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का जन्म 1872 में 18 अगस्त श्रवण पूर्णिमा को तत्कालीन कुंदरवार रियासत में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था दिगंबर गोपाल और माता का नाम था गंगा देवी। उन्होंने पंडित जी को एक अच्छे स्कूल में, यानी पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के माता पिता ने पंडित जी को एक अच्छे स्कूल में भेजना शुरू कर दिया था। पंडित जी कुछ दिन स्कूल जा भी रहे थे, उसी समय दिवाली के दिन पटाखे जलाते समय एक अनहोनी हो गई और इनकी आँखों की रोशनी चली गई। इससे पूरे घर वाले बहुत दुखी थे, लेकिन अब आँख की रोशनी जाने के कारण स्कूल भी ये नहीं जा सकते थे, तो जिसके कारण इन्हें संगीत की तरफ इनके माता पिता ने मोड़ दिया। संगीत सीखते हुए ये सबसे पहले मिरज में गए और मिरज के पंडित बालकृष्ण बुआईचल करंजीकर से इनका संपर्क हुआ, जहाँ पर ये उनसे संगीत की शिक्षा लेते रहे। उसी समय काफ़ी अच्छा गाने लगे थे और वहाँ पर मिरज के जो नरेश थे इनको अंधा होने के नाते वहाँ पर इनका राज आश्रय जो है मिल गया था मिरज दरबार में, जहाँ पर इनके लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई थी और मिरज में ये रहने लगे थे एक राजगायक के रूप में। उसी समय इनके साथ एक हृदय विदारक घटना हुई। घटना यह हुआ कि मिरज में जो है एक सभा आयोजित की गई, वहाँ पर उस शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया और राज्य में रियासत में होने के नाते इनको भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तो इनके गुरु जी को वहाँ पर निमंत्रित न किए जाने के कारण ये बहुत दुखी हुए। जब इनको यह पता चला कि इनके सभी व्यक्ति वहाँ पर बुलाया गया है लेकिन इनके गुरु को नहीं बुलाया गया, तो इस बात को देख करके इनको बहुत बेकार लगा। और जब इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों नहीं बुलाया गया, तो ऐसा पता चला इनको कि वो तो एक गवैया हैं, उनकी क्या आवश्यकता है यहाँ पर। ये शब्द उनके हृदय में घर कर गया कि संगीत और संगीतज्ञों की इतनी दयनीय स्थिति है इस समय, उसको इन्होंने सुधारने का एक संकल्प बीड़ा उठाया। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर संगीत और संगीतज्ञों के प्रति जो समाज में एक हेय दृष्टि थी, उसको इन्होंने दूर करने का एक बीड़ा उठाया। सन 1896 में इन्होंने राज्य के सभी सुखों को छोड़ करके और देशाटन पर निकल गए। देश के अलग अलग भागों में गए और जहाँ भी ये जाते इनका स्वागत होता, ये अपने गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। वहाँ से इनको कुछ धन भी मिला और जो भी संगीत से जुड़ा व्यक्ति मिला उनसे इन्होंने कुछ सामग्रियाँ ली जो था और उसको एकत्रित किया। इन्होंने जो अपना कार्यक्रम दिया था जहाँ जहाँ इन्होंने दौरा किया था उसके इस प्रकार नाम, जैसे बड़ौदा में गए थे, ग्वालियर, दिल्ली, भरतपुर, लाहौर, श्रीनगर, इलाहाबाद आदि जगहों पर इनका कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और श्रोतागण थे वो इनको सुनने के लिए बहुत ही लालायित थे। संगीत की इस प्रकार सेवा करते करते इन्होंने जो संगीत में कुछ बड़ा काम किया, वो इस प्रकार से इन्होंने बड़ा काम किया कि संगीत के प्रचार प्रसार करने के लिए पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने सबसे पहले ये काम किया कि समाज में उस समय जो गंदे शब्द के गीत चलते थे, गीत से गंदे शब्द को हटा करके उसमें भक्ति प्रधान गीत, भक्ति रस से उत्प्रोत गीतों का इन्होंने जो था एक प्रवाह हिला दी पूरा समाज में, भक्तिमय का गीत के गंदे शब्द को हटा के उसमें भक्ति रस प्रधान शब्दों का जो, जिससे संगीत का स्थान समाज में ऊंचा उठने लगा। और संगीत की सेवा के लिए इन्होंने संगीतज्ञों को समाज में संगीतज्ञ उत्पन्न करने के लिए इन्होंने कुछ संगीत विद्यालय खोली। संगीत की इसी सेवा में एक आता है कि इन्होंने सर्वप्रथम 5 मई 1901 को लाहौर में एक संगीत विद्यालय का स्थापना किया जिसका नाम था गंधर्व संगीत विद्यालय। सबसे पहले क्योंकि लाहौर उस समय भारत में ही था, बंटवारा के समय लाहौर जो है पाकिस्तान में चला गया था, तो वहाँ पर कुछ दिनों तक कोई भी संगीत का विद्यार्थी जो था एडमिशन नहीं लिया था, संगीत का कोई विद्यार्थी एडमिशन नहीं लिया, लेकिन फिर भी पंडित जी निराश नहीं हुए और तानपुरा लेकर के अकेले ही रियाज वो करते रहे। कुछ दिनों बाद वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई। उसके बहुत ज़्यादा सफल हो ना हो पाने के कारण उस विद्यालय को इन्होंने फिर उसके बाद सन 1908 में मुंबई में उसी की एक शाखा खोली, संगीत गंधर्व संगीत विद्यालय का एक शाखा मुंबई में खोला गया। तो मुंबई का जो शाखा था उसको हेड बना दिया गया, मुंबई के शाखा को जो है
हेड बना दिया गया। पूरे गंधर्व संगीत मंडल का जो सबसे हेड था वो मुंबई को बना दिया गया। वहाँ पर लाहौर की तुलना में पुरस्कार जी को मुंबई में ज़्यादा सफलता मिला और यहाँ पर अचानक जो था विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई। लगभग 10 से 15 वर्षों तक संगीत का कार्य करते हुए विद्यालय का जो भवन था वो तो किराए पे चल रहा था। उसके बाद इन्होंने जो है विद्यालय के लिए कोई भवन लिया। भवन जो था कर्जे पर था और कर्जा ये ना दे पाने के कारण भवन जो था ऋण में ही वापस चला गया। जिसने कर्जा दिया था उसने ऋण को ले लिया था, उससे इनको काफ़ी दुख हुआ। राजा राम का ही ये भजन गाते फिरते थे जो था। और कुछ समय बाद ये नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में एक राम नाम आधार आश्रम इन्होंने खोला। जैसे प्राचीन काल में आश्रम प्रणाली से शिक्षा दी जाती थी, उसी तरीके से इन्होंने उसी मेथड को अपनाते हुए आश्रम प्रणाली पे इन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दिया। इन्होंने लगभग 100 शिष्यों को तैयार किया, जिसमें इनके जो सबसे मेन शिष्य हैं वो इस प्रकार हैं, क्या है, पंडित वी एन क्लास्कर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित वी आर देवधर, पंडित वी एन ठाकर, पंडित वी एन विनायक राव पटवर्धन। इन सभी का नाम उल्लेखनीय है। जो संगीत की ज्वाला इन्होंने जलाया हुआ था इसको इनके शिष्य आगे बढ़ाते रहे, लेकिन अब ये सब इनके शिष्य भी लगभग इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो फिर इनके शिष्यों के जो शिष्य हैं वो इसको जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने संगीत के जो इच्छुक अभ्यर्थी थे उनके लिए लगभग इन्होंने संगीत जगत के लिए 50 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें कुल मिलाकर कुछ उल्लेखनीय पुस्तक इस प्रकार है। जैसे संगीत बाल प्रकाश 20 भागों में है, राग प्रवेश, संगीत शिक्षा, महिला संगीत आदि। संगीत की सेवा करने के लिए इन्होंने लगभग एक संगीत मित्र प्रवाह नाम से मासिक पत्रिका भी निकाली थी, जो कुछ समय तक प्रकाशन होता रहा। अंत में संगीत की सेवा करते करते इनको जो है 1930 में लकवा मार गया था। लकवा के कारण इनका स्वास्थ्य दिनों दिन जो था वो ढलता जा रहा था, दिनों दिन खराब होता जा रहा था, और अंत में ये 21 अगस्त सन 1931 में इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, इनका देहांत हो गया, जिससे संगीत जगत को बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई। और इनके कुल मिलाकर लगभग 12 पुत्र हुए, जिसमें से 11 पुत्रों की तो बचपन में मौत हो गई थी, लेकिन इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था दत्तेय विष्णु पुलुस्कर। उन्होंने अपने जीवन काल के 35 वर्षों तक संगीत की सेवा की, लेकिन आकस्मिक सन 1955 में विजयदशमी को उनका भी जो है देहांत हो गया। आशा करता हूँ कि आप सभी को विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ आप लोग को ना समझ में आया उसको आप लोग दोबारा हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके हमको कमेंट कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो उसको पूछ सकते हो, हम जल्द से जल्द वो क्वेरीज को आपके दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।